जब भी कोई त्यौहार आता है तो सभी के घरों में तरह तरह के पकवान बनाने के साथ साथ ट्रेडिशनल खाना भी बनाया जाता है। आज हम दो तरह की सब्जी बनाने जा रहे हैं जो बिना प्याज लहसुन और टमाटर के बनी है। बनाने में आसान भी है और खाने में तो सुपर डिलीशियस है। तो चलिए आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू और हैदराबादी बघारे बैंगन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूछ देसी किचन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दो माउथ वाटरिंग वेजिटेबल रेसिपीज। चलिए सबसे पहले हम कश्मीरी दम आलू बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर बेबी पोटैटोज लिए हैं, इनको हमने बॉईल नहीं किया है, ये कच्चे आलू है। इसको अच्छी तरह छील कर पहले और खूब अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब इसको एक फोक या टूथपिक की मदद से अच्छी तरह से प्रिक कर लेते हैं। प्रिक करने का मकसद केवल एक रहता है कि जब हम इसको कुक करेंगे मसाले में तो आलू के अंदर मसाले अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। सारे आलू को हम इसी तरह से प्रिक कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गर्म किया है। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया तब इसमें हम ये आलू डालकर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं। एक बोल में या प्लेट में कलर काफी अच्छा है आलू का, इसी तरह से हमको आलू को फ्राई करना है। आलू को साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने हैदराबादी बैंगन बनाने के लिए छोटे वाले बैंगन लिए हैं। बैंगन को अच्छी तरह वॉश करके इसको सूखे कपड़े से आप पहले पोंछ लें जिससे कि फ्राई करते समय तेल के छींटे बाहर ना आए। बैंगन को हाफ स्लिट कर लेंगे, स्लिट करके देख लेंगे कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और हमने उसी ऑयल में बैंगन को फ्राई किया जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे। बैंगन को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बराबर चलाते रहेंगे जिससे कि बैंगन दोनों साइड में गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। बैंगन गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट कलर आया है। इसको भी किसी प्लेट या बोल में निकाल लेते हैं। और अब चलिए कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए हम उसके मसाले की तैयारी करते हैं। एक बोल में हमने यहाँ पर 2 चम्मच फ्रेश दही लिया है। याद रखिएगा दही एकदम ताज़ा लेना है। एक बोल में दही को निकाल लेंगे। अब इसमें हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। दही को और मिर्च को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, बिल्कुल भी दही में दाने नहीं रहने चाहिए, नहीं तो दही पकाते समय फट जाएगा। एकदम चिकना दही हमको फेंटना है। अब एक पैन में हमने यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल गरम किया है। थोड़े से मसाले कूट लेते हैं, 10 से 12 काली मिर्च, 1 से 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। इसको हम दरदरा कूट लेते हैं मसाले को। तेल गरम हो गया है, इसमें हमने थोड़ी सी हींग डाली है चुटकी भर के। जो मसाला हमने कूटा है वो मसाला इसमें डालेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए मसाले को भून लेंगे। कश्मीरी दम आलू में हींग का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है तो इसलिए हमने यहाँ पर हींग का इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर हमने इसमें डाला है और जो हमने दही फेंट के रखा है कश्मीरी मिर्च के साथ उस दही को हम डालेंगे और फिर इसको बराबर लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि दही फटे नहीं। अक्सर दही जब गर्म होता है तो फट जाता है लेकिन बराबर चलाते रहेंगे तो दही फटेगा नहीं। 1 से 2 मिनट तक दही को पहले चला लेंगे अच्छी तरह से। दही ने तेल छोड़ दिया है, इसमें कुछ मसाले डालते हैं। यहाँ पर हमने सौंफ का पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच जिंजर पाउडर या सौंठ का पाउडर। एक बार मसाले में सब चीज़ें मिला लेते हैं और मसाले को 2 से 3 मिनट और भून लेते हैं। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, स्वाद के हिसाब से इसमें नमक ऐड करते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और जिस बोल में हमने दही फेंटा था उसी में थोड़ा पानी डालकर इसमें डाल देंगे जिससे कि मसाले अच्छी तरह भून जाए और मसाले जले भी नहीं। 1 से 2 मिनट तक और इसको भूनेंगे हम मसाले के साथ। अब जो आलू हमने फ्राई करके रखे हैं वो आलू इसमें मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे मसाले और आलू को। अब इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी डालेंगे। वैसे तो कश्मीरी दम आलू में ग्रेवी थोड़ी थिक रहती है लेकिन ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। कश्मीरी दम आलू को खोने में 12 से 15 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पर हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है, व्हाइट पोटैटो का इस्तेमाल नहीं करें, इसलिए कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, गैस को बंद कर देते हैं। अब हम जो बैंगन की सब्जी बना रहे हैं उसके ऊपर
आधे बैंगन बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्वार्टर कप कच्चे मूंगफली के दाने लिए हुए हैं, एक छोटा चम्मच सफेद तिल लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच धनिया और जीरा को रोस्ट कर लिया है, उसका दरदरा पाउडर लिया है, जिंजर पाउडर 1/2 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, थोड़े से पुदीना के पत्ते, साबुत धनिया 1 चम्मच, हरा धनिया थोड़ी सी, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल चिकना फाइन पेस्ट ये बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब कुकिंग प्रोसेस पर आते हैं। एक पैन या कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करते हैं। सब्जी बनाने के लिए अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो ये हेल्दी भी होता है और दूसरे सब्जी में टेस्ट भी काफी अच्छा आता है। 1 चुटकी हींग डाली है, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, इसको पहले सॉटे कर लेंगे। अब जो मसाला हमने पीसा है वो मसाला इसमें डालेंगे। मिक्सर जार में जो मसाला बच गया उसमें थोड़ा सा पानी डालकर वो भी पानी इसमें ऐड कर देंगे। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और मसाले को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, जब तक मसाला थोड़ा ऑयल ना छोड़ दे। मसाला भुन गया है, मसाले ने ऑयल रिलीज कर दिया है, 1 से 2 मिनट इसको और भून लेते हैं। अब जो बैगन हमने फ्राई करके रखे वो बैगन इसमें डालेंगे। मसाले के साथ बैगन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि मसाला बैगन में भी अच्छी तरह से लिपट जाए। बैगन ऑलरेडी फ्राई है तो ये होने में ज़्यादा अब टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी ये 50-60% गल चुका है बैगन फ्राई करने की वजह से। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे जिससे कि मसाला अच्छी तरह से बैंगन में मिक्स हो जाए। कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको हम 5 से 7 मिनट और कुक करेंगे। इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, हल्का सा लुटपुटा रखेंगे। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर हमने दही डाला है 1 बड़ा चम्मच, खटास के लिए अगर आप चाहें तो दही की जगह इमली भी डाल सकते हैं। हैदराबादी बघारे बैंगन बनकर तैयार है। कश्मीरी दम आलू हम पहले ही बनाकर तैयार कर चुके हैं। इस त्यौहार पर ये दोनों रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए और सबसे अच्छी इस रेसिपी की ये बात है आप पहले एक दिन पहले तैयारी करके रख सकते हैं और जिस दिन त्यौहार है उस दिन आप कुकिंग करिए, आपका काम भी हल्का हो जाएगा। आप इस सब्जी को वैसे तो पूड़ी या कचौड़ी के साथ सर्व करें, लेकिन आप पराठे या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो सबके साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।